उसके बारे में बात करेंगे जो आजकल की महिलाओं को में बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PCOD की। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ऐसा भी कहा गया है कि आजकल मॉडर्न सिटीज में हर 3 या 5 महिलाओं में से एक महिला को PCOD देखा जाता है। PCOD, PCO और PCOS में क्या फर्क है? एक्चुअली कोई भी फर्क नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सारी एक ही प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 अंडेदानी होती है और उनके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, एबनॉर्मल हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे कि पीरियड का साइकिल जो है वो गड़बड़ा जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी कम आता है, कभी बहुत हैवी आता है। बहुत सारी महिलाओं को वेट गेन हो जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, शरीर में बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, यानी कि बॉडी के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाता है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो ये क्यों होती है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप खान पान जो है आपका थोड़ा गलत है, यानी कि बाहर की चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं, और अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तो ये याद रखें कि स्लीप, एक सही स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देर से सोते हैं, कम सोते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आप इन सब प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से जाके मिलें और इसका हल ढूंढने में आपके डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम बात करते हैं वो है फाइब्रॉइड यूट्रस। तो फाइब्रॉइड क्या होता है? सो फाइब्रॉइड एक प्रकार की बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। किस चीज की ग्रोथ होती है? हमारा जो बच्चेदानी है उसके अंदर मसल होती है, जिसको हम यूट्राइन मसल बोलते हैं। तो जब इस मसल में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ बननी शुरू हो जाती है, तो उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। अब जो फाइब्रॉइड हैं बहुत ही छोटे हो सकते हैं, बहुत ही बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरा पेट भी कभी कभी उससे भर सकता है। एक दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी कि 10-15-20 फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक पेशेंट को ऑपरेट किया जिसके अंदर 40 फाइब्रॉइड उसके यूट्रस में हमने निकाले। प्रॉब्लम क्या हो सकती है फाइब्रॉइड से? हेवी पीरियड्स हो सकता है, पेनफुल पीरियड हो सकता है, कभी कभी फाइब्रॉइड्स इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे शरीर में बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर हो जाता है, एंड सिंपली ज्यादातर बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है पेट मोटा हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइब्रॉइड क्यों होते हैं? इसका भी कोई कारण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनकी जेनेटिक या फैमिली टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड्स बनने की। तो फाइब्रॉइड जो होते हैं, अगर आपको डायग्नोज किया है किसी भी, आपको फाइब्रॉइड है, बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से जाके संपर्क करें, क्योंकि फाइब्रॉइड की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स कैसे हैं, आपका फाइब्रॉइड कितने सारे हैं, किस लोकेशन पे हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो यूट्रस के अंदर की तरफ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूट्रस के बाहर की तरफ होते हैं। तो जो उसकी सही ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर आपको उसके बारे में बताएंगे। ज्यादातर फाइब्रॉइड्स को अगर उससे आपको कोई दिक्कत हो गई है या फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता जा रहा है, तो यूजुअली फाइब्रॉइड्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो आजकल हम सारी सर्जरी जो है लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, यानी कि दूर बीन से करते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कट लगा के बड़े से बड़े फाइब्रॉइड्स को भी हम निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको किसी ने फाइब्रॉइड के बारे में आपका डायग्नोसिस बनाया है, तो आप जरूर डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट समझें। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। अब आपको ये नाम लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है, पता नहीं किस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर, जो हमारे यूट्रस के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, हर महीने वो ब्लीड करती है।
अब कुछ किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि ये जो झिल्ली है वो यूट्रस के बाहर भी होती है, मोस्ट कॉमनली वो अंडे डाली के ऊपर होती है या यूट्रस के पीछे होती है। तो हर महीने जब हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से यूट्रस के अंदर की झिल्ली में ब्लीडिंग होती है, तो ये जो झिल्ली यूट्रस के बाहर है वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो ब्लीडिंग बाहर है उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो धीरे धीरे अंदर वो ब्लीडिंग इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड से भरे हुए सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। सिंस ब्लीडिंग हो रही है, निकल नहीं पा रही है, तो पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इट कैन कॉज हैवी पीरियड, उससे पेनफुल पीरियड हो सकता है, कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से बात करें। एंडोमेट्रियोसिस को हम मेडिसिन से भी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस किस केसेस में हमें उसकी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड आजकल हम ज़्यादातर सारी सर्जरीज जो हैं लैपरोस्कोपिकली करते हैं, दूरबीन से करते हैं। तो अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से परेशान हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके आप अपनी ऑप्शन समझिए और सही डिसीजन लें।